चुनाव है लोकतंत्र में सबको ना आजादी भाई चुनाव लड़ने का, कोई किसी को बांध सकता है तो। लेकिन भाई यहाँ बीजेपी का बी टीम सब है, बताओ सब लोग लड़ेगा करेगा क्या करेगा, वो अकेले रह करके वो लोग क्या कर लेगा, जीतेगा नहीं बल्कि उनका कोशिश होगा कि बीजेपी को जितवा दे वोट काट करके। नीतीश कुमार जब कम्युनल हो गए, अब नीतीश कुमार फिर भाजपा को छोड़ दिए, इनसे गले मिल लिए, इनसे शादी कर लिए राजद के लोगों से, तो वो सेकुलर हो गए। तो राजद के लोगों से मुझे कोई सेकुलर की और बी टीम ए टीम की जरूरत नहीं है। बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव से पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को इशारों इशारों में बीजेपी की बी टीम कहा था, जिस पर अब उन्होंने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो आरजेडी पर भी निशाना साधा है और यहाँ तक कह दिया है कि आरजेडी तो खुद नीचे स्तर की राजनीति कर रही है। चुनाव है लोकतंत्र में सबको ना आजादी भाई चुनाव लड़ने का, कोई किसी को बांध सकता है तो। लेकिन भाई यहाँ बीजेपी का बी टीम सब है, बताओ सब लोग लड़ेगा करेगा क्या करेगा, वो अकेले रह करके वो लोग क्या कर लेगा, जीतेगा नहीं बल्कि उनका कोशिश होगा कि बीजेपी को जितवा दे वोट काट करके। नीतीश कुमार कितने मरतबा मुख्यमंत्री भाजपा से बने, हाँ आप उनको गले लगा लिए, भाजपा से मिलकर वो मुख्यमंत्री बने पहली मरतबा, भाजपा को छोड़ा तो आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया वो सेक्युलर हुए, फिर उन्होंने उनको नीतीश कुमार ने राजद को गाली दी, फिर भाजपा के साथ चले गए और नीतीश कुमार जब कम्युनल हो गए, अब नीतीश कुमार फिर भाजपा को छोड़ दिए, इनसे गले मिल लिए, इनसे शादी कर लिए राजद के लोगों से, तो वो सेकुलर हो गए। तो राजद के लोगों से मुझे कोई सेकुलर की और बी टीम ए टीम की जरूरत नहीं है, वो खुद एक लो लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश कुमार से उनका अलायंस क्या है वो बताएं, जो नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो क्या कम्युनल थे, अब तुम्हारे साथ आ गए तो क्या दूध के धुले हो गए। तो आप खुद अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं और मुसलमानों के ताल्लुक से उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है बिहार के, इसीलिए ओवैसी उनको उनकी आंखों में बड़ा खटकता है क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं। आपको बता दें कि बिहार की गोपालगंज और मोकामा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। वोटिंग 3 नवंबर को होनी है और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसे लेकर शुक्रवार को आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोलने के साथ ही एआईएमआईएम पर भी इशारों इशारों में जमकर निशाना साधा था, जिस पर अब असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन आ गया है। अब देखना होगा कि ये जुबानी जंग आगे कौन सा रुख इख्तियार करती है और देखना तो ये भी होगा कि अब असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर आरजेडी नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। गोपालगंज से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, बिहार तक।